हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। क्लियर है? कंप्यूटर सिस्टम देखा है हम लोगों ने कैसे होता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बनता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है? हमारा फिजिकल डिवाइस होता है और विजिबल होता है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, हार्डवेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स देख लेंगे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनल डिवाइसेस, ठीक है, या कंपोनेंट्स। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आएंगे? इनपुट डिवाइस में हम कुछ इसमें इनपुट देंगे जिसके थ्रू हम सिस्टम को इनपुट देते हैं कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है? और आउटपुट, जैसे एग्जांपल ले लो, हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू हम सिस्टम को इनपुट कमांड्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मीन्स क्या हो सकता है? जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नाम से क्लियर हो जा रहा है सारी चीजें। आउटपुट डिवाइसेस मीन्स हमको जो आउटपुट देता है, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप पर हमारी जो स्क्रीन होती है, ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन पर हमको जो भी विजिबल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा आउटपुट, ठीक है। तो मॉनिटर क्या हुआ? हमारा आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर, हम प्रिंट आउट के लिए पेजेस निकालते हैं, हम कुछ इनपुट दिया, हमने प्रिंट ऑप्शन मतलब प्रिंट कमांड दी, ठीक है, प्रिंट आउट के लिए, तो क्या होगा? इनपुट पे हमने जैसे ही प्रिंट किया, वैसे आउटपुट पे हमको क्या निकलता है? प्रिंटर के थ्रू पेजेस निकलते हैं, ठीक है, हमारा आउटपुट निकलता है। तो प्रिंटर भी क्या हुआ? आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर, ठीक है, स्पीकर से भी क्या होता है? आउटपुट निकलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमको सुनाई देता है ना उसके थ्रू, मतलब क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। हमको कुछ गाना प्ले करना है तो उसमें क्या होता है? स्पीकर में हम गाने सुन सकते हैं, ठीक है। अब होता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस मीन्स हमने हार्ड डिस्क देखी होगी, ठीक है। अब जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो इंटरनली भी होते हैं इनबिल्ट सिस्टम में, ठीक है, या फिर एक्सटर्नली हम ऐड कर सकते हैं, हमको एक्स्ट्रा कुछ डिवाइसेस ऐड करना है तो, ठीक है। जैसे हमारा पेन ड्राइव, वो भी क्या हुआ? स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रेम हो गया, ठीक है। अब जो हमारे मेमोरीज होती है या स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब रेम, ठीक है, उसमें क्या होता है? वो मतलब टेम्पररी स्टोरेज के लिए जो हम यूज करते हैं वो आते हैं हमारे प्राइमरी स्टोरेज में। और सेकेंडरी स्टोरेज मतलब जिसे हम परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं वो होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क। क्लियर हुआ? मेमोरी और भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, हम उसको बेसिक कंप्यूटर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स मतलब जो सिस्टम में ऑलरेडी बने हुए होते हैं इंटरनली, जैसे सीपीयू। सीपीयू को हम देख सकते क्या? नहीं, ठीक है। जो आप सीपीयू जिसको बोलते हैं वो कैबिनेट होता है, ठीक है, कैबिनेट में छोटा सा जो पार्ट होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो इंटरनली होती है सिस्टम्स में चीजें उसको बोलते हैं हम, जैसे मदरबोर्ड, ठीक है, वो भी इनबिल्ट अंदर बना जो होता है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, जिसके ऊपर हम सारी चीजें माउंट हुई होती है मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। मदरबोर्ड भी हम अच्छे से एक वीडियो में फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इतना समझ लो कि इंटरनल कंपोनेंट, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से क्या बनता है हमारा हार्डवेयर। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम सॉफ्टवेयर पर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्या होता है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या, उसको हम विजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। विजिबल मतलब कैसा? या उसको हम टच नहीं कर सकते। सिर्फ यदि सॉफ्टवेयर हमको कुछ डाउनलोड करना तो हमको सिस्टम के अंदर जाकर उसको हम ऐसे उठा तो सकते हैं नहीं, जैसे हम हार्डवेयर के को, जैसे हम फिजिकल जैसा डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये कैसा डिवाइस होता है? इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को हमको इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि हमको कोई व्हाट्सएप भी डाउनलोड करना है तो हम क्या करेंगे? प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर व्हाट्सएप टाइप करेंगे, हमको जो भी उसका वर्जन, ठीक है, व्हाट्सएप यूज करना है, व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है, जो भी हमको डाउनलोड करना है वहां से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स मीन्स एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने एक बार सिस्टम में इंस्टॉल किया तो बार बार हमको
उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक बार इंस्टॉल किया और उसके ऊपर हम आप कितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। लेकिन यदि हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हम कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, या सॉफ्टवेयर उस पर रन नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट काम क्या है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में, कि सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे मैंने अभी बताया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ये जो सारे आ गए ना। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक बार सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, उसके बाद में हमको उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, अब उसमें गेम डाउनलोड कर लूँ, ठीक है, एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूँ, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लूँ, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब, जो भी मुझे डाउनलोड करना है, जो भी एप्लीकेशन मुझे चलाना है, ठीक है, वो सारे परफॉर्म कर सकती हूँ मैं किस पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। मुझे हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं करना पड़ेगा कि मुझे गेम वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन थे जो सिर्फ एप्पल आईफोन, जैसे आईफोन जो रहते हैं उसके लिए बनाए बनाए जाते हैं, ठीक है, या कोई सिर्फ विंडोज के लिए, विंडोज पर रन होते, ठीक है। लेकिन यदि ओवरऑल हम बात करें तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यदि एक बार हमने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद हम उसमें कौन सा भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ बनाया जाता है। जैसे सपोज कोई गेम का सॉफ्टवेयर बना है एप्लीकेशन, तो सिर्फ उसे गेम ही खेल सकते हैं, ठीक है। कोई वर्ड फाइल के लिए बनाया गया है तो सिर्फ उसे वर्ड वर्ड फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे इंस्टाग्राम है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक बन गई, उसमें हम दूसरे काम नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम सब कुछ कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ठीक है, जो जो हम इंस्टॉल करेंगे, क्लियर हुआ। तो ये होता है पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हमारे हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के टाइप, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।